प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 56 में मुस्लिम पार्षदों ने नगर आयुक्त पर भेदभाव कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं करना चाहता। क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी का अंबार है, गलियों में कूड़ा उठाना तो दूर, नियमित रूप से झाड़ू तक नहीं लग रही है। मुस्लिम इलाकों की हालत तो और खस्ता है, स्ट्रीट लाइट कभी जलती नहीं। आलम यह है कि जनहित के मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, फाइलें दबा दी जा रही हैं। इससे पार्षद खासे परेशान हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जवाबदेही उनकी है। क्षेत्र की जनता उनसे सवाल कर रही है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वहीं पार्षद रिजवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर आयुक्त सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों के क्षेत्रों में ही काम कार्य करवा रही है, विपक्षी पार्षदों के क्षेत्रों में विकास का कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों में रोष पनप रहा है। समुदाय के लोगों ने कहा कि वार्ड की समस्याओं का समाधान किया जाए। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। अच्छा, ये वार्ड नंबर कितना है? 63। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? अरे सभी परेशान हैं। क्या हर साल मतलब ये नकाद लकड़ी पकड़ी कुछ मिल जाता जलाने को, अभी तो जूते चप्पल जला रहे हैं, सब कपड़े काले हुए जा रहे हैं, परेशान है। रात में सर्दियों में मरे जा रहे हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है अपनी कसम। अच्छा, तहसील की ओर से जो कंबल दिया गया था, आपको कंबल मिला? चार साल मिला था, इस साल क्या नहीं मिला? नहीं मिला, हमारी भी नहीं मिली। आपकी जान गुते विधायक जी के पास बनौनी बांटा था, पाँच साल तहसील में वही कम्बल उड़ रही है हम आज भी। इस वर्ष आपको कम्बल नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, बटा भी नहीं है। हम पूरी जानकारी रखते हैं। मोहम्मद अशरफ पासवान। अच्छा, क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या ये है, सारी क्षेत्र जनता है हमारी, और यहाँ पर ना तो लकड़ी की व्यवस्था है, और ना तो जो हंडिया जगह जगह सिलेंडर रखे हुए हैं, ना तो उसकी व्यवस्था अलाव की। अब नगर आयुक्त से बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि आपके क्षेत्र का पॉइंट नहीं है और हम सिलेंडर रखने पाएंगे, उन्हें लकड़ी डलवा दो कि लकड़ी अलाव नहीं है। तो ये जो क्षेत्र में इंसान नहीं रहते क्या, जनता नहीं रहती कि नगर निगम में नहीं आता? अरे क्या माना जाता है, नगर निगम की लापरवाही है या फिर क्या है, क्या माना था? नगर निगम की लापरवाही और तानाशाही भी अधिकारियों की। मोहम्मद रिजवान। अच्छा, आपके वार्ड में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है साहब, जाड़े के हालात देखते हुए नगर आयुक्त साहब से आज करीब 5 से 10 दिन हो गए कि हमारे क्षेत्र में या तो अलाव लगवा दो या एक अंडे की व्यवस्था कर दो, मगर नगर आयुक्त साहब ने कुछ VVIP क्षेत्र अपने लिस्ट में बना रखे हैं, उनके अलावा कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं है। नई आबादी जो पूरी मुस्लिम क्षेत्र है वो पूरी बेहाल, बेहद बुरी। जाड़े में लोग शाम को 6 बजे के बाद और दिन में भी कोई राहत नहीं है, लोग जितने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और कई बार नगर आयुक्त साहब से फ़ोन करा कि आप कैसे भी करके यहाँ एक अलाव का इंतजाम करा दीजिए या एक गैस सिलेंडर का अंडा रखवा दिए, कहते हैं कि वहाँ का पॉइंट नहीं बना है और अलाव के लिए कहते हैं नगर निगम में अलाव नहीं है, और बाकी जो पुलिस पिकेट लगे हैं उनके लिए लकड़ी भी आ रही है, यानी कि वो इंसान है और नई आबादी कोई इंसान नहीं है, वही मानुक है, हम लोग मानुक नहीं है। कई बार इस पर जिद्दोजहद हुई मगर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। संपूर्ण सुविधायुक्त स्वास्थ्य केंद्र माँ केला देवी हॉस्पिटल में इलाज कराना हुआ आसान। यहाँ पर फैमिली हेल्प कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर सभी प्रकार की महिलाओं संबंधी व अन्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध है। शहर फिरोजाबाद पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर खुल गया है। अयान इंटरप्राइजेस स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर आपको हमारे यहाँ उचित रेट पर स्कूल के बच्चों की ड्रेस व स्पोर्ट्स के आइटम पर 20% छूट मिलेगी।
फैसलाबाद में पहली बार वैष्णवी हेल्थ क्लिनिक। यहाँ पर डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, खांसी, खुजली, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, सीने में दर्द, COPD, पेट की बीमारी आदि का इलाज किया जाता है। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।